आज आपके साथ डिस्कस करूंगी टेनिस एल्बो। चलिए देखते हैं टेनिस एल्बो का नाम कैसे पड़ा। बहुत पहले जब टेनिस प्लेयर्स ये गेम खेलते थे और उनकी ये बैक हैंड की जो मूवमेंट होती थी, ये मूवमेंट बैक स्ट्रोक खेलते खेलते उनको एक अजीब किस्म का पेन शुरू होने लगा, जो अक्सर बहुत सारे टेनिस प्लेयर्स में ये पेन पाया गया। तो ये जो मसल्स हैं हमारी, ये जो पॉइंट है हमारी एल्बो का, जो वहाँ से जो एक्सटेंसिव मसल्स निकलती हैं, उन मूवमेंट वो मसल्स की मूवमेंट में जो ये एक्शन यूज़ होता है। अब ये चीज़ आप सोचेंगे, दूसरी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हैं, जैसे टेबल टेनिस है या बैडमिंटन है, उसमें भी ये मूवमेंट होती है, लेकिन हमने बैडमिंटन एल्बो या टेबल टेनिस एल्बो नहीं सुना, हमने टेनिस एल्बो सुना है। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताती हूँ। वो ये रीज़न है कि बैडमिंटन का रैकेट और टेबल टेनिस का रैकेट, ये दो हल्के या छोटे साइज़ में हैं। अगर आपने लॉन टेनिस का रैकेट देखा होगा, इट्स प्रीटी हैवी, और उनका जो लॉन भी होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो वो स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करने के लिए, वो फोर्स का इस्तेमाल करने के लिए टेनिस प्लेयर्स को बहुत ताकत लगानी पड़ती है अपनी एक्सटेंसिव मसल्स के थ्रू। और जब वो रिपीटेडली करते हैं, जब वो प्रैक्टिस करते हैं, जब वो खेलते हैं, तब ये एक स्पॉट पे बहुत स्ट्रेस आता है। तो जब ये टेनिस एल्बो लोगों में पाया गया, उन लोगों में जो रेगुलरली लॉन टेनिस खेलते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनमें ये प्रॉब्लम को पाने की वजह से इस प्रॉब्लम का नाम सालों पहले टेनिस एल्बो रख दिया गया था। अब अगर इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को हमने अक्यूट स्टेज में, यानी जब आपको पेन शुरू हुआ उस वक्त अगर हम इस प्रॉब्लम का ध्यान ना रखें, तो ये प्रॉब्लम अक्सर ऊपर बाइसेप्स ट्राइसेप्स की तरफ जा सकती है, डेल्टॉइड मसल की तरफ भी जा सकती है, या तो नीचे की तरफ भी इसका स्प्रेड हो सकता है, जो हमारी फोरआर्म मसल्स हैं, हमारे रिस्ट जॉइंट हैं। ये क्रॉनिक प्रॉब्लम में बदल जाए उसके पहले आप इसको अटेंशन दें, इसका ध्यान रखें, एक फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस के अंदर हो तो ज़्यादा बेहतर है। स्पोर्ट्स के अलावा दूसरी कंडीशंस, दूसरी प्रॉब्लम्स जहां पर ये कंडीशन हमें दिखाई पड़ती है, वो है ऑफिस गोइंग पीपल हु कैरी हैवी बैग्स ऑन अ डेली बेसिस, प्रेफरेबली इन द राइट हैंड, और फिर वो ऑफिस जाकर कीबोर्ड पर काम करते हैं घंटों तक विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक। अगेन वही हैवी बैग को कैरी करके घर जाना, उसी हाथ में लग करना उस वेट को विदाउट शिफ्टिंग द बैग इन टू द अदर हैंड। तो ये सारी जो ओवरलैपिंग स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, एक ही पॉइंट पर स्ट्रेस आता है, और टेनिस एल्बो जैसी कंडीशन जो है हम देखते हैं लोगों में। लेडीज़ जो होती हैं, जो होम मेकर्स होती हैं, जो घर का काम करती हैं, उनमें भी कटिंग एक्टिविटीज़ अगर बहुत देर तक, घंटों तक वो ये काम करें या आटा गूंदने का काम करें। ऑल्सो वी हैव सीन दीज प्रॉब्लम्स इन पेंटर्स, जो स्ट्रोक जो वो लोग करते हैं अपने पेंट ब्रश से, घंटों तक उसकी माइन्यूट डिटेल्स को करते हुए, उनमें भी हमने टेनिस एल्बो की शिकायत को देखा है। तो चलिए देखते हैं कुछ फिजियोथेरेपी की टेक्निक्स, कुछ एक्सरसाइजेस आपकी टेनिस एल्बो के लिए, जो आपको पेन मैनेज करने में मदद करेंगी, और हो सकता है अगर अक्यूट स्टेज में है तो पेन बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फिजियोथेरेपी की कुछ एक्सरसाइजेस टेनिस एल्बो के लिए। मूवमेंट्स से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, थोड़ा सा पेन कंट्रोल में आएगा। तो सबसे पहले जो मूवमेंट है वो है फ्लेक्शन एक्सटेंशन की एट योर एल्बो जॉइंट। अजिंक्य सिंपल सी फ्लेक्शन मूवमेंट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, और ये है एक्सटेंशन की मूवमेंट। अगर किसी रेंज में या किसी पॉइंट पे जाकर पेन हो रहा है तो आप वहाँ रुक जाइए और फिर एक्सटेंशन आप करें, या एक्सटेंशन में पेन हो रहा है तो वहाँ पर आप थोड़ा सा पॉज लेकर फ्लेक्शन कर सकते हैं 3 times, 5 times, 10 times। आपके फिजियोथेरेपिस्ट जैसे आपको गाइड करते हैं, वैसे ये सिंपल फ्लेक्शन एक्सटेंशन की मूवमेंट एल्बो जॉइंट पे फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर टेनिस एल्बो। अब हम देखते हैं सेकेंड एक्सरसाइज एट द एल्बो जॉइंट फॉर टेनिस एल्बो। ये जो मूवमेंट है हम करेंगे रिस्ट पर। रिस्ट पर इसीलिए क्योंकि टेनिस एल्बो का पेन अक्सर नीचे की तरफ भी जाता है और एल्बो की कुछ मसल्स रिस्ट की तरफ भी आती हैं, तो वहाँ की मूवमेंट और वहाँ की सर्कुलेशन में ऊपर की मसल्स पे भी उसका असर पहुँचता है। उसकी पॉजिटिव जो सर्कुलेशन है वो हमें मिलेंगी और उसे पेन रिलीफ में काफ़ी हेल्प हो सकता है। तो चलिए देखते हैं सर्कमडक्शन मूवमेंट एट द रिस्ट जॉइंट। सो विल मेक अ नाइस राउंड सर्कल एट द रिस्ट जॉइंट, आप देख रहे हैं। क्लॉकवाइज आप 10 टाइम्स कर सकते हैं, अगर आपको पेन हो रहा है तो आप 5 टाइम्स करें, 3, 4 and 5। फिर हम एंटी क्लॉक मूवमेंट करेंगे, 1, 2, 3, 4
एंड फाइव। एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने ऑपोजिट हाथ से अपने एल्बो को स्टेबलाइज करें, क्योंकि अक्सर रिस्ट के मूवमेंट करते करते आपने देखा होगा थोड़ी सी मूवमेंट जो है एल्बो पे भी आ रही है। हमको प्योर मूवमेंट चाहिए रिस्ट पर, तो अपने ये हाथ से कंफर्टेबल पोजिशन में फिर से और एक बार हम सर्कमडक्शन करेंगे क्लॉक एंड एंटी क्लॉक वाइज। चलिए राउंड सर्कल्स स्लोली, पूरा आपको सर्कल बनाना है, 3, 4 एंड 5, रिलैक्स। तो ये थी सर्कमडक्शन मूवमेंट रिस्ट जॉइंट पर फॉर टेनिस एल्बो। एल्बो जॉइंट पर और एक मूवमेंट हम देखेंगे टेनिस एल्बो के लिए। इस मूवमेंट को हम कहते हैं प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। ये मूवमेंट जो है खास करके फॉरआर्म की लेंथ पर की जाती है। इस एल्बो में पोजीशन जो अभी देख रहे हैं आप अजिंक्य का, वो है सुपिनेशन, और अब हम इसे प्रोनेशन में ले जाएंगे, ये मूवमेंट करेंगे। आप देख रहे हैं कि जैसे अजिंक्य सुपिनेशन और प्रोनेशन कर रहे हैं, एल्बो पे उतनी मूवमेंट नहीं हो रही है, फिर भी सेफ साइड के लिए आप अपने ऑपोजिट हाथ को यहाँ पर रख सकते हैं स्टेबलाइज करने के लिए, सो दैट आप अपने फॉरआर्म पर प्योर मूवमेंट को देखें और सिर्फ सुपिनेशन और प्रोनेशन की मूवमेंट करें 5 times, 10 times एंड देन रिलैक्स। तो ये थी प्रोनेशन सुपिनेशन की एक्सरसाइज आपकी फॉरआर्म पर फॉर टेनिस एल्बो। अब हम कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज देखेंगे एल्बो जॉइंट के लिए। फॉरआर्म की जो मसल्स होती हैं वो जब टेनिस एल्बो में थोड़ी सी टायर्ड और थोड़ी सी सोर होती हैं, जैसे टेनिस एल्बो का पेन कम हो जाए, वो पेन कंट्रोल में आ जाए, देन यू कैन एडवांस योरसेल्फ टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ दीज मसल्स। हम आपको बताते हैं एल्बो की एक्सटेंसिव मसल्स की स्ट्रेंथनिंग आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले फॉरआर्म को एक कंफर्टेबल पोजीशन में रखिए, जहाँ पर एल्बो का इस तरह से एलिवेशन होना या डिसकम्फर्ट रहना वो ठीक नहीं है। बहुत अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन को अचीव कीजिए। उसके बाद में आप कोई भी एक किस्म का 0.5 kg या 1 kg का वेट उठा सकते हैं, आपके फिजियोथेरेपिस्ट की एडवाइस और उसके मुताबिक मे बी विथ 0.5 kg और 1 kg। इफ़ यू आर अ रेगुलर पर्सन हु डज एक्सरसाइजेज, देन इवन 2 kg, बट प्रोग्रेस धीरे धीरे हो तो बेटर है। तो अब हम देखेंगे रिस्ट की मूवमेंट जब हम करेंगे तो हमारी ये एक्सटेंसर मसल्स की कैसे स्ट्रेंथनिंग होगी। तो हम न्यूट्रल से स्टार्ट करेंगे, ये है फ्लेक्स पोजिशन एंड देन वी विल एक्सटेंड, होल्ड इट देयर फॉर सम टाइम एंड देन डाउन। जब डंबल्स की मूवमेंट नीचे हो रही है उसमें कुछ खास मदद नहीं होती एक्सटेंसर मसल की, क्योंकि इस मूवमेंट को वैसे भी ग्रेविटी नीचे पुल कर रही है। अगर आप देखेंगे तो अजिंक्य जब मसल्स को इस्तेमाल करके रिस्ट को ऊपर लेते हैं, ये तभी ये पूरी जो मसल है वो काम करती है, सारी एक्सटेंसर मसल पे फोकस आता है, ये मसल्स फायर हो रही हैं और वो स्ट्रेंथन हो रही हैं। जबकि जब हम नीचे लेते हैं तो ये काम सिर्फ ग्रेविटी कर रही है, इसमें हमारी मसल्स का कोई काम नहीं। तो जो मेन एक्सरसाइज मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो है एक्सटेंशन विथ द डंबल। सो सिंपल अप एंड डाउन, अगेन कोशिश करें कि ये हिस्सा ना हिले, दूसरे हाथ से स्टेबलाइज कर देंगे अगर एल्बो को तो ज़्यादा बेटर होगा। सिंपल अप एंड डाउन, फ्लेक्शन से एक्सटेंशन 1 एंड देन 2, रेपिटेशन आप डिसाइड कर सकते हैं आपके फिजियोथेरेपिस्ट के साथ। तो ये थी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस फॉर द एक्सटेंसिव मसल्स फॉर द टेनिस एल्बो प्रॉब्लम। टेनिस एल्बो की स्ट्रेंथनिंग के लिए हम और एक वेरिएशन देखेंगे जहाँ पर ग्रेविटी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये एक्सरसाइज एक्सटेंसर मसल पर ही काम करेंगी एल्बो के लिए, लेकिन उसमें ग्रेविटी जो है वो एलिमिनेट हो गई है। तो इस पोजीशन में एल्बो को रखकर इसे कहते हैं मिड प्रोन पोजीशन, क्योंकि मिड प्रोन पोजीशन में रिस्ट जो ये मूवमेंट करती है यहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा असर नहीं देती। इस पोजीशन में जो है हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट ये मूवमेंट करनी पड़ती है। तो ये स्टेज पे एडवांस होने के पहले हम ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं जहाँ पर आपका एल्बो मिड प्रोन में है, और इस पोजीशन में हम सिंपल फ्लेक्शन करेंगे और फिर एक्सटेंशन की मूवमेंट एंड देन फ्लेक्शन एंड देन एक्सटेंशन। अगर ये एक्सरसाइज करते वक्त आपको पेन हो रहा है या डिस्टर्बेंस हो रही है या डिस्कम्फर्ट लग रहा है तो आप उसके रेपिटेशंस कम कर सकते हैं। तो ये थी स्ट्रेंथनिंग की और एक वेरिएशन आपकी एक्सटेंसर मसल्स के लिए। तो आज हमने देखा टेनिस एल्बो की कंडीशन, उनके क्या कॉजेज़ हैं, टेनिस एल्बो का नाम कैसे पड़ा था, और इनकी फिजियोथेरेपी टेक्निक्स, जो एल्बो ब्रेस हैं, जो मोबिलाइजेशन हैं, कुछ स्ट्रेचेज हैं, कुछ पोस्चरल करेक्शंस हैं, ये सारी चीज़ों हमने आज देखी है। और मैं उम्मीद करूँगी कि आप इन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, अपने एल्बो का ध्यान रखेंगे। For more videos,
Subscribe to our channel FitVit.